इज देयर वाटर ऑन मून, क्या पृथ्वी से पानी खींच रहा है चंद्रमा। नए अध्ययन में मिला जवाब, चंद्रमा के पानी। हुए नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि यह पानी वास्तव में पृथ्वी से ही पहुंचा है। शोधकर्ताओं ने विस्तार से इस बात की व्याख्या की है कि कैसे पृथ्वी के आयन मंडल से पानी के आयन सुदूर अंतरिक्ष में मैग्नेटोस्फीयर में जाते हैं और कब और किन हालात में चंद्रमा की सतह पर पहुँच जाते हैं। 21वीं सदी से पहले हमें पता भी नहीं था कि चंद्रमा पर पानी है भी या नहीं है। भारत के चंद्रयान अभियान ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की सबसे पहले जानकारी साल 2008 में दी थी। इसके बाद से चंद्रमा पर कई तरह के गहन अध्ययन हुए, लेकिन यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर चंद्रमा पर पानी आया कहां से था। लेकिन नए अध्ययन में इसका उत्तर मिल गया है। इसके अनुसार चंद्रमा पर पानी पृथ्वी से ही आया है। इतना ही नहीं, इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर पानी अब भी जा रहा है। अलास्का फेयरबैंक्स जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की अगुवाई में हुए अध्ययन में ऐसे संकेत मिले हैं कि चंद्रमा पर पानी पृथ्वी से उच्च वायुमंडल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों के निकलकर और चंद्रमा पर पहुंचकर जुड़ने की पूरी प्रक्रिया से होकर पहुंचा है। अलास्का यूनिवर्सिटी के गुंटर कोचेश्का की अगुवाई में हुआ यह अध्ययन उन बहुत सारे शोधों में अहम जानकारी जोड़ने वाला साबित होगा जो चंद्रमा के दक्षिण और उत्तर ध्रुवों के पानी के मूल स्रोत को जानने के लिए किए जा रहे हैं। चंद्रमा पर पानी की खोज दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए उत्साहजनक उपलब्धि मानी गई थी। चंद्रमा पर अमेरिका, यूरोप और चीन अपनी यात्री भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इन यात्रियों के लिए यह पानी बहुत उपयोगी साबित होगा। ये एजेंसियां चंद्रमा पर अपने मंगल अभियानों, मार्स मिशन के लिए बेस बनाने का इरादा रखती हैं। नासा का आर्टेमिस अभियान भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना बेस कैंप बनाएगा। कोचेश्का बताते हैं कि युगों पहले पृथ्वी पर पैदा हुए पानी के आयन अब चंद्रमा पर चंद्रयात्रियों के लिए जीवन समर्थन तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। नए अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा के पास 3500 क्यूबिक किलोमीटर का पानी या तो सतह पर बर्फ के रूप में या फिर सतह के नीचे के जल के रूप में मौजूद है, जो उन आयन से बना है जो पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर से आए थे। साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित इस अध्ययन में सुझाया गया है कि इन खास जगहों का उपयोग भविष्य में लैंडिंग और अन्य आवासीय निर्माण एवं अन्वेषण के लिए किया जा सकता है। शोध में बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन पृथ्वी से चंद्रमा पर पृथ्वी की मैग्नेटोपियर की पूंछ के जरिए गए थे, जो चंद्रमा के एक महीने पृथ्वी का चक्कर लगाते समय के 5 दिन में बनती है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से बनता है, जो पृथ्वी की रक्षा अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक आवेशित कणों के विकिरण से करती है। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अध्ययनों ने पहले ही खुलासा किया हुआ है कि मैग्नेटोस्फीयर के इस हिस्से से चंद्रमा के गुजरने के दौरान काफी मात्रा में पानी के आयन मौजूद रहते हैं। चंद्रमा की मैग्नेटोस्फीयर के इस हिस्से में उपस्थिति को मैग्नेटोटिल कहते हैं। यह पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड रेखाओं को कुछ देर के लिए प्रभावित करती है। जब चंद्रमा इस क्षेत्र में होता है तब ये टूटी फील्ड लाइन जुड़ जाती है और ऐसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन पृथ्वी पर वापस आने लगते हैं, जहां वे चंद्रमा से टकराते हैं और वहां स्थायी तुषार की स्थिति बन जाती है। कोचेश्का का कहना है कि यह एक तरह से चंद्रमा पर बारिश की स्थिति होती है, लेकिन यह बारिश पानी के उन आयनों की होती है जो पृथ्वी पर वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में चंद्रमा की सतह पर गिर जाते हैं। इस अध्ययन से भविष्य में इन स्थायी रूप से बर्फ की तरह जमे इलाकों पर शोध में मदद मिलेगी। इन अध्ययनों से बिना हवा वाले चंद्रमा की सतह पर जीवन को पोषण देने वाले पानी के विशाल भंडारों का खुलासा हो सकता है। क्या पृथ्वी से पानी खींच रहा है चंद्रमा। नए अध्ययन में मिला जवाब, अगर पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें।